वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी और टेस्टी बनने वाला गार्लिक परांठा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। गार्लिक परांठा बनाने के लिए हमें चाहिए अमूल बटर। ये 2 टेबलस्पून अमूल बटर है और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ फ्रेश धनिए के पत्ते, जिनको मैंने छोटा छोटा काटा हुआ है। और साथ में ही ये जा रहे हैं 5 लहसुन की तुरियां, जिनको मैंने क्रश करके डाल दिया है। और ये थोड़ा सा नमक, नमक आपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और ये थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स। बस अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और एक बैटर सा बना लेंगे। अगर आपको रेड चिली फ्लेक्स नहीं डालनी है तो आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हम इसका परांठा बनाएंगे। तो परांठे के लिए मैंने थोड़ा सा आटा ऐसे रख के और इसके ऊपर इसको डस्ट कर लिया है। अब हम इसको ऐसे बेलेंगे और तरह इसको बेलते जाएंगे। और ये जब पूरा राउंड हो जाएगा, बड़ा राउंड बनाना है हमें, क्योंकि हमें इसको फिर शेप करना है। तो ये बन चुका है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर जो हमने बटर का भी मसाला बनाया था वो इसकी ऐसे लेयरिंग इसके ऊपर कर देंगे, पूरा अच्छे से फैला देंगे। और अब मैं इसको थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप देने वाली हूँ। और हाँ, ऊपर से हम इसको ऐसे थोड़ा सा सादे आटे से भी डस्ट करेंगे, ताकि ये थोड़ा सा ऐसे अंदर से सॉफ्ट बनेगा। और इसको अब हम ट्रायंगुलर शेप देने के लिए क्या कर रही हूँ, बीच में से नाइफ से कट लगा दिया है और इसको ऐसे लेयर्स बना देंगे, क्योंकि ये बड़ा अच्छा लेयरी और बहुत अच्छा परांठा बनेगा। ऐसे बिल्कुल खुला खुला सा अंदर से बहुत अच्छा परांठा बनता है, सॉफ्ट भी बनेगा और क्रिस्पी भी बनेगा इससे। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से लेयर हो चुका है। और बस अब इसको हम हल्के हाथों से ऐसे बेलन से इसको शेप कर देते जाएंगे। थोड़ा हमें इसको ट्रायंगुलर ही रखना है, तो आपको उस हिसाब से ध्यान रखना है। आपको साइड्स बिल्कुल पतली करनी है, साइड्स मोटी नहीं होनी चाहिए इस परांठे की। तो ये देखो, बिल्कुल प्रॉपर शेप आ चुकी है। और तवा भी गर्म है मेरा, तो मैंने इसको ऊपर डाल दिया है परांठा। तो बस इसका साइड्स चेंज कर करके हमें इसको सेकते जाना है। जैसे ही एक साइड से सिक जाएगा तो हम इसके ऊपर ऐसे घी लगा देंगे। मैं घी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो बस दोनों साइड से हमें घी लगा के इसको सेक लेना है, ताकि ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा। और ऐसे बीच बीच में आपको ऊपर से प्रेस भी करते जाना है। प्रेस करोगे ना तो बहुत सही क्रिस्पी आएगा, इसका क्रंचीनेस ऊपर बनेगी, बहुत अच्छा लगेगा खाने में भी। तो ये बन के रेडी हो गया है। ये देखो, बिल्कुल सही क्रिस्पी हो गया। तो मैं आपको इसकी अब लेयरिंग दिखाती हूँ। ये देखो, ऐसे ओपन करके दिखाऊँ, कितनी सही लेयरिंग आई है। ऊपर से पूरा क्रिस्पी और नीचे से सॉफ्ट, और कितना क्रंची है ये देखिए, कितना क्रंची बना है। तो गाइज, इस परांठे को जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा बनता है और यमी भी लगता है। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, देन प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आई विल सी नेक्स्ट वीडियो विद मोर एंड मोर अमेजिंग रेसिपीज। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।